अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 30 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ पोलर एरे कमांड। आप पोलर एरे कमांड कैसे यूज़ करते हैं, पर्पज़ ऑफ पोलर एरे कमांड, पोलर एरे कमांड का फंक्शन क्या है और डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे में क्या फ़र्क है। आज के लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पोलर एरे होता क्या है, इस पर कैसे काम किया जा सकता है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पोलर एरे पे काम करते हैं। तो पोलर एरे का फंक्शन ही होता है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसे मैं यहाँ से टॉप व्यू में लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर। इसके मिड पॉइंट से मैं लाइन लेता हूँ एक। आप राउंड स्टेयर वगैरह बनाना चाहें या और कोई काम इससे करना चाहें तो पोलर एरे कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। एक और मैं देता हूँ एल एंटर। मिड पॉइंट इसका, एक सिंपल सा एक चीज़ बनाता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको ट्रिम करूँगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर। अब ये दोनों जो है, इनमें मैं एक को डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब जो मैंने काम करना है वो क्या है कि मैं यहाँ से, अब ये जो यहाँ पे और इस दोनों में फ़र्क जो है वो बताता हूँ आपको। तो एरे कमांड हमने पहले भी अप्लाई की थी, तो एरे यहाँ से आप पोलर एरे भी ले सकते हैं। देखें पोलर एरे, और पोलर एरे के बाद आप यहाँ से लेते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मॉडिफाई में भी जाके यहाँ से भी आप पोलर एरे ले सकते हैं, एरे और पोलर एरे। शॉर्ट कमांड जो है एरे की, पोलर एरे या एरे जो भी आपने लेना है, तो वो है ए आर, एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इसे इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस पोलर एरे। अब कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट इसका दे दे, इस पॉइंट से आ जाए। तो देखें यहाँ पे देखो सर, चारों साइड से इसके एरे लग गए। और अब इसको आप देखें ज़रा गौर से, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम सेक्स हैं, इसको बढ़ाना चाहें, आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, या आप 12 करना चाहें 12 कर सकते हैं। ट्वेल्व ओके, बिटवीन इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। 360 में आपने देना है दे सकते हैं, 260 में आप अगर आप करना चाहें, देखें सिर्फ 260 में आपके पास, देखें ये एरिया खाली हो गया, सिर्फ 260 एरिया में हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। 360 करें तो फुल आपका यहाँ पे एरे अप्लाई हो जाएगा। रो कितनी होनी चाहिए, रो 1 ही है, 2 करते हैं 2 कर सकते हैं, 3 करते हैं 3 कर सकते हैं, 3 रो करता हूँ मैं, तो देखें 3 रो आ गए इसके ऊपर, 1 एंड 2 इसी के ऊपर आ गए। रो आप 2 करना चाहें 2 कर सकते हैं, देखें 2, अगर आपने कोई भी रो नहीं देनी तो आप 1 कर दें, इसी के अंदर काम करना है तो 1 कर दें। लेवल भी आप इसमें भी लेवल आप बढ़ा सकते हैं, जैसे 3D में हमने लेवल बढ़ाया था वही काम आप कर सकते हैं यहाँ पे भी। लेवल बढ़ाने का क्या तरीका, आप किसी तरह आप यहाँ से जाएं, एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में जाएं और यहाँ पे आप इसका लेवल बढ़ाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से लेवल बढ़ा दें। 3 लेवल करता हूँ मैं, देखिएगा 3 लेवल बढ़ गए। अब इनके बीच फासला जो है मैं देता हूँ जी 10 फिट का। अब देखें 1 एंड ये 3 लेवल इसके बढ़ गए,
तो आप एनी लेवल देना चाहते हो आप वन लेवल कर लें बस। ओके, तो आप यहाँ से लेवल भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे आपने जो काम करना है वो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक गियर बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ट्रिम करता हूँ, इसको देखिएगा मैं यहाँ से एरे कमांड ए आर एंटर और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें और मैंने कौन सा था पोलर एरे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट का कह रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट आप यहाँ से दें, ये सेंटर पॉइंट दे दें, देखें चारों साइड से हर साइड से हमारे पास ये वाला स्टाइल आ गया। और यहाँ से आप इसका साइज बढ़ाना चाहें, आइटम है 12 करना चाहें 12 करें, 12 आइटम बन गए। देखें तो यहाँ पे गेट सा बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं बीच के ये जो एरिया इन सबको ट्रिम कर दें। तो आप आसानी से ही काम कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल इक्वल आप बस ये आ गए। ये देखिए, अब इसके अलावा आप सर्कल यहाँ पे लें, फॉर एग्जांपल मैं सर्कल लेता हूँ, सी एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सर्कल लेता हूँ, इसको भी एरे देना चाहिए तो आप इसको भी एरे दे सकते हैं। आप जैसे बिल्कुल इक्वल पोजिशन में आ जाए तो आप इसके लिए भी एस को सिलेक्ट करें, एरे ए आर एंटर करें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें और कौन सा एरे देना है हमने पोलर एरे देना है और स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट आप दे दें इसको, देखें बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे देखें ये आ गया। इसमें भी आप देखें आइटम्स के बढ़ाना चाहें 12 करना चाहें तो देखें हर एक में हमारे पास सर्कल आ गया, देख सकते हैं। तो ये था जी आपका, ये देखें ये था आपका एरे का फंक्शन और एरे कमांड। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एरे पोलर एरे का फंक्शन क्या होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे पाथ एरे के ऊपर डिस्कस करेंगे, पाथ एरे क्या होता है, क्या फंक्शन है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।